हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड टिप्स चैनल में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जहां पे आपको फॉलो करनी है 9:15 के बाद में। लेकिन मुझे सब्सक्राइबर ने यहां पे कुछ मैसेजेस भेजे जहां पे उन्हें दिक्कतें आ रही है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। सबसे पहली दिक्कत है दोस्तों, उन्हें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए नहीं आ रहा है। उनका स्टॉक सिलेक्शन करते ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है दोस्तों। तो इस पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोस्तों कि मैं NSE के इंडाइसेस जो है वो यूज़ करता हूँ, और मुझे गए 2 या 3 दिन से अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और साथ में दोस्तों मैं और एक चीज़ पे भी यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो हर दिन। जब आप राइट स्टॉक चूज़ करते हो दोस्तों, तो वहाँ पे आप देखोगे हमेशा आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। तो उस पर मैंने दोस्तों कुछ नए मॉडिफिकेशन लाए हैं, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NSE की वेबसाइट है, यहाँ पे हमें सिर्फ इंडाइसेस देखने हैं दोस्तों। इंडाइसेस देखने के बाद हमें वहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई वाले शेयर्स देखने हैं, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं डाउन ट्रेंड में जाएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने इसी तरह से आज 3 या 4 स्टॉक्स वहाँ से निकाले थे। और साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पे जो ट्रेड है वो लाइव रिकॉर्ड की है, वो भी सक्सेसफुल ट्रेड विद द प्रॉफिट। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और कुछ कमेंट रहेगा तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सारे क्वेरीज इस वीडियो में हल हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के लाइव ट्रेड के साथ दोस्तों। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया दोस्तों कि मैंने यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के लिए आज NSE कोई वेबसाइट यूज़ नहीं की है, मैंने कुछ फॉर्मूले लगाए हैं उस हिसाब से दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे मारुति का आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मारुति ओपन इज इक्वल टू हाई है, और हमें यहाँ पे वेट करना है कब ये लो ब्रेक करेगा। अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया तो हम लोग उस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये एक स्टॉक हमने ऐड कर लिया है, इसका वेट करेंगे हम लोग जब ये इसका हाई या लो दोनों में से एक ब्रेक करेंगे। अगर हाई ब्रेक करता है तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, अगर लो ब्रेक करता है तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले 5 मिनट्स का कैंडल का जो लेंथ है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितना है यहाँ पे अराउंड 58% के आसपास है, तो हम लोग इसमें ट्रेड बना सकते हैं। सेकेंड स्टॉक मैं ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, आपको कम से कम यहाँ पे 5 से 6 स्टॉक्स ऐड करने दोस्तों, 5 से 6। ये शेयर्स जो है मैंने कहाँ से लिए ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी इनको ऐड करते जा रहा हूँ। एक स्टॉक है IGL नाम, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस, ठीक है। इसका आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई में चल रहा है दोस्तों ये कैंडल वाला। और एक स्टॉक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, उसका नाम है SBI कार्ड, SBI कार्ड को मैंने ऐड कर लिया। और एक स्टॉक वहाँ पे मैं ऐसे स्टॉक्स में ऐड करते जाऊंगा दोस्तों, एंट्री या पोजीशन अभी नहीं बनाने वाला हूँ। LTTS करके स्टॉक है, उसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ, LTTS, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ, ऐड करने के बाद ही दोस्तों वहाँ पे मैं एंट्री या पोजीशन बनाऊंगा। और एक स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज करके, स्टॉक देखिए दोस्तों, स्टॉक्स देखिए, बाद में भी आप इस पर रिसर्च कर सकते हो कि क्या इन्होंने यहाँ पे आज अपना टारगेट हिट किया नहीं किया। मैं पोजीशन बना के दिखाऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट कब लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टॉक ऐड करके चल रहा हूँ, कैन फिन होम भी है, कैन फिन होम इसको भी ऐड कर रहा हूँ। अब तक मेरे ख्याल से मैंने 5 या 6 स्टॉक्स ऐड किए हैं, बिरला सॉफ्ट को भी मैं यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ दोस्तों, बिरला सॉफ्ट, ठीक है। सारे स्टॉक्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 9:20 की जैसे ही कैंडल बनती है तब हम लोग देख लेंगे कि कौन से स्टॉक का या कौन से शेयर का वहाँ पे 5 मिनट के कैंडल का हाई या लो जो ब्रेकआउट हुआ है वो। सिप्ला को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, सिप्ला को ऐड करने के बाद नौकरी करके एक स्टॉक है, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करके रख रहा हूँ, ट्रेड नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए आप, मैंने अराउंड 6 या 8 स्टॉक्स यहाँ पे ऐड किए मेरे वॉच लिस्ट में, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और एक स्टॉक ऐड कर रहा हूँ ओबेरॉय रियल्टी करके है, इसको भी मैंने ऐड कर लिया दोस्तों। तो बहुत सारे स्टॉक दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड करके रखने हैं, पोजीशन सिर्फ आपको 1 या 2 स्टॉक्स में ही बनानी है।
ताकि आपको वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस जल्दी हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टॉक ने वहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, कौन से स्टॉक ने वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, उसके बाद में ही हम लोग वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। तो टाटा स्टील करके और एक स्टॉक है दोस्तों स्टील सेक्टर का, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ। 919 हुआ है आधा, हमारे पास और एक मिनट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सेक्टर यहाँ पे डाउन है, एक या दो को छोड़ के दोस्तों। निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट 1.14% डाउन है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, सबसे पहले हम लोग मारुति का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे तो मारुति का ओपन इज इक्वल टू हाई वाला शेयर है, तो हम लोग क्या पहले सबसे पहले करके रखेंगे, कैंडल को मार्क करके रखेंगे। आईजीएल की कैंडल आप देख सकते हो, ये तो 1% से नीचे है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में 433 लो बना है उसके पहले कैंडल का, और देखिए ब्रेकआउट के बाद में हम लोग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टॉक हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों, एसबीआई कार्ड, ठीक है। एसबीआई कार्ड में देखिए दोस्तों, सेकंड कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले 5 मिनट से कैंडल के नीचे ही बनाई है, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन ईजिली बना सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, अराउंड 100 क्वांटिटी के लिए 17,000 चलेंगे। मैं 300 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करता हूँ शॉर्ट सेल मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। मैंने सेल नहीं किया अभी तक शायद से, थ्री हंड्रेड क्वांटिटी पे मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देता हूँ मार्केट पे, और मैंने बेच दिए 552.16 पे, ठीक है। ये देखिए LTTs का चार्ट, आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट, तो ब्रेकआउट जहाँ पे भी मिलता है दोस्तों हम लोग वहाँ पे पोजीशन बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कैनरा फिनहोम भी है, कैनरा फिनहोम, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट भी दिया है, और मेरे ख्याल से इसका टारगेट भी अचीव हो चुका है शायद से। देखिए टारगेट तो ऑलमोस्ट इसका अचीव हो चुका है दोस्तों, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए 607 का यहाँ पे लो था, और देखने से आपको पता चलता है दोस्तों इसने अपना टारगेट हिट कर चुका है, मतलब यहाँ पे हमने वो पोजीशन मिस आउट की है। बिला सॉफ्ट में देखो दोस्तों अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते। सिप्ला में देखिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी बनी है, चाहो तो आप सिप्ला में यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 873 की लाइन है यहाँ पे, ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है और ट्रेड कर रहा है 872 के आसपास, ठीक है। कैनरा फिनहोम ने वहाँ पे तो अपना टारगेट अचीव कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिप्ला भी अपने टारगेट के यहाँ पे चल रहा है। नौकरी या ठीक है, यहाँ पे अपना पोजीशन देख लिया दोस्तों एसबीआई कार्ड का, सेम लगभग वही कंडीशन में चल रहा है जहाँ पे हम लोग ने बाय किया है। सिप्ला की हम लोग भी बात करेंगे दोस्तों, सिप्ला में भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो हम लोग सिप्ला में भी पोजीशन बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सिप्ला में पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। ये देखिए 873 के आसपास ब्रेकआउट मिला है, 871 के आसपास अभी चल रहा है। आरती इंडस्ट्री देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है। उसके बाद में सिप्ला में चाहो तो आप पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट मिल चुका है आपको। और नौकरी भी है दोस्तों, नौकरी में भी आप ब्रेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये कैंडल जो है वो बहुत बड़ी बनी है, मेरे ख्याल से 2% के ऊपर ही दिख रही है मुझे ये कैंडल, तो हम लोग ऐसे स्टॉक में एंट्री या पोजीशन नहीं बना सकते। आप चाहो तो अपना रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये देखिए ये कैंडल जो पहली बनी है 2.5 के आसपास बनी है दोस्तों, तो वो स्टॉक हम लोग वहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते ट्रेड के लिए। ओबेर रियल्टी देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट के नज़दीक है, लेकिन ब्रेकआउट दिया नहीं है अभी तक। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है हमें, और पहली कैंडल है 73% की, तो यहाँ पे हम लोग चाहो तो पोजीशन बना सकते हैं ओबेर रियल्टी में। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक शेयर में पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कम क्वांटिटी के साथ में पोजीशन बनाने के, 100 के साथ में ट्राई करता हूँ सेल के लिए मार्केट ऑर्डर के पास।
लिमिट नहीं, मार्केट ऑर्डर पर डाल देता हूँ, ठीक है। इनसफिशिएंट फंड की वजह से मैंने यहाँ पे ऑर्डर मेरी प्लेस नहीं हुई है, तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे भी अच्छे चांसेस है टारगेट अचीव होने के दोस्तों। 4 या 5 रुपये आप नीचे डाउनसाइड एक्सपेक्टेड कर सकते हो यहाँ से, तो आपके डेफिनेटली वहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे पोजीशन बनाई, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड इसमें पोजीशन बनाना नहीं चाहता, और फंड्स भी लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैनरा फिनहोम, एक ही कैंडल में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही कैंडल ने उसने अपना टारगेट कंप्लीट करके दिया है। एक ही कैंडल में 4 पॉइंट्स का ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस है, और इसने दिया है अभी तक 6.38, मतलब 1:1.5 भी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो मेरी पोजीशन क्या है SBI बैंक में, सॉरी दोस्तों SBI कार्ड में। तो ऐसे आपको बारे स्टॉक से देखने हैं दोस्तों, और आपको ट्रेड या पोजीशन बनानी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने SBI बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। देखिए SBI बैंक का चार्ट, और हमारी पोजीशन यहाँ पे थी अराउंड 853-852 के आसपास, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी दोस्तों। तो टारगेट के हिसाब से दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा कि टारगेट कितना होने वाला था दोस्तों। यहाँ पे मेरा ये देखिए टारगेट होने वाला था दोस्तों अराउंड 845 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 0.9%, ठीक है। सेम हम लोग 0.9% नीचे देखेंगे तो हमारा टारगेट होता है दोस्तों 845 के आसपास। और यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको जल्द से जल्द यहाँ पे टारगेट अचीव होने के बाद वेट नहीं करना है। पोजीशन या आपको टारगेट जो प्राइस है वो डाल के रखनी है दोस्तों, उस तक जाएगा तो वहाँ पे वो अपने आप अपनी ऑर्डर वहाँ पे स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, और आप वहाँ पे प्रॉफिट में चले जाओगे। तो आपको क्या करना है, साथ में एक ऑर्डर डालनी है जो होगी स्टॉप लॉस, और एक ऑर्डर डालनी है जो होने वाला है हमारा टारगेट। तो मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, तो मैं दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, 854 को मैंने शॉर्ट सेल किए थे SBI कार्ड, और आपके सामने देखा भी था दोस्तों। और वे रियल्टी का भी मैंने शॉर्ट सेल ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर इनसफिशेंट फंड की वजह से मेरी ऑर्डर वहाँ पर वो
एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है कोई बात नहीं है। 10:46 को यहाँ पे आप देख सकते हो, 8:45 को मेरी जो ऑर्डर थी वो ट्रिगर हो गई बाइंग की ऑर्डर, और जो मैंने डाली थी 8:61 पे स्टॉप लॉस की ऑर्डर वो मैंने कैंसिल कर दी। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, प्रॉफिट मुझे हुआ है आज 300 क्वांटिटी में, अराउंड लगभग 2000 के आसपास इतना मुझे ऑर्डर हुआ है। मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, एक या दो मैक्सिमम। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक जो ट्रेड थी मेरी अराउंड 9:24 के आसपास ओबेरॉय रियल्टी की 9:28 के आसपास, वो मेरे रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट, ठीक है कितना था दोस्तों यहाँ पे 9:28 के आसपास, टाइमिंग भी देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे 9:24, ठीक है 9:24, और मैं आपको यहाँ पे दिखा था ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट, ठीक है ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरी जो ऑर्डर थी वो रिजेक्ट हो गई 9:28 के आसपास मैंने दी थी। तो यहाँ से दोस्तों आप बोल सकते हो टारगेट कितना होने वाला था, यहाँ पे टारगेट होने वाला था दोस्तों ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस 72% का, मतलब 6.65 का, और नीचे हम लोग 7 रुपये का टारगेट भी रखते हैं। तो देखिए दोस्तों एक ही कैंडल ने वहाँ पर मेरा टारगेट भी हिट हो गया होता और मैं वहाँ पे एग्जिट हुआ होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप वहाँ पे वेट करते तो दोस्तों आपको क्या होता दोस्तों, ये देखिए यहाँ से वापस स्टॉक ने रिवर्सल दिया, कितने पॉइंट्स ऊपर चला गया देखो दोस्तों, अराउंड 24 पॉइंट्स। तो आपको देखिए एज पर स्ट्रैटेजी चलना है, कभी कभार अगर टारगेट से आपका 1 या 2 रुपये कम भी होता है तो आपको वहाँ पर खुशी से वहाँ पर अपनी पोजिशन स्क्वेयर ऑफ करनी है। यहाँ पर टारगेट होने के बाद ये देखिए टारगेट जो था 7 रुपये का यहाँ पे इजीली अचीवेबल हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 रुपीज़ तक गया था, 9:20 तक गया था, लेकिन इतना टाइम हमें नहीं रुकना है। हमारा 7 रुपये का जो टारगेट था 1:1 का, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के साइड में 6.65 का स्टॉप लॉस और नीचे 7 रुपये का टारगेट, ये ईजिली अचीवेबल हो गया। उसके बाद में भी अगर आप रुकते हो तो वो आपके इस पर डिपेंड करता है आपको कितना वहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। लेकिन कभी कभी स्टॉक नीचे से रिवर्सल भी लेता है और बाद में आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्टॉक ने ऊपर 24 पॉइंट्स दिए हैं। तो ऐसे मैंने आज मेरी जो पोजीशन है वो मैंने एंड अप की है प्रॉफिट में, और हमेशा मैं जो वीडियोस होता है मैं शेयर करता हूँ, भले मुझे कभी लॉस होता हो, मुझे स्टॉप लॉस हिट होता हो, मैं डेफिनेटली वो वीडियोज़ भी पोस्ट करता हूँ। और जिस दिन मैं ट्रेड नहीं लेता क्लियरली मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, या मैं फाइंड आउट किया कि आज का दिन ये ट्रेड के लिए सूटेबल नहीं है तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता। तो देखिए दोस्तों ऐसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, और दोस्तों मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं जल्दी आपको एक नया मॉडिफाइड वीडियो बताने वाला हूँ कि आपको राइट स्टॉक कैसे चूज़ करने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।